आज हम यहाँ पर देखते हैं कि हमें क्या मिलता है खाने के लिए, बेहतरीन क्या है यहाँ पे। तो आप हमारे साथ हैं, तो बड़ी मुश्किल से हमें यहाँ पे पार्किंग मिल रही है, तो भी हम गाड़ी पार्क करेंगे अपनी। ये पीछे मांगने वाले ने, अच्छा ये आप क्या बना रहे हैं? अच्छा लाइव आइसक्रीम है ये है गाइस, लाइव आइसक्रीम ये है। ये क्या फिश है, क्या है? दिल पसंद पिछावली चपली कबाब। तो अभी हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, यहाँ पे 320 से लेके 250 का हो गया भाई, डिस्काउंट एक्स्ट्रा डिस्काउंट चल रहा है। आपको प्रॉपर रिव्यू दे रहे हैं कि यहाँ पे आपको हुसैनाबाद पे क्या क्या मिल सकता है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस, आज हम आए हुसैनाबाद पे, हुसैनाबाद फूड स्ट्रीट पे। तो आज हम यहाँ पर देखते हैं कि हमें क्या मिलता है खाने के लिए, बेहतरीन क्या है यहाँ पे। वैसे रश तो बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, गाड़ी लगाने की हमें जगह नहीं मिल रही है। हम गाड़ी की पार्किंग देख रहे हैं कि गाड़ी की हमें कहाँ पार्किंग मिलती है। तो हम गाड़ी पार्क करेंगे, तो फिर उसके बाद हम सर्च करेंगे कि हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। तो हम अभी वैसे तो पूरी जिद्दोजहद कर रहे हैं गाड़ी की कि पार्किंग हमें मिल जाए कहीं पर, मगर पार्किंग का तो यहाँ नामो निशान नहीं है। जैसा कि आपको रश देखकर अंदाज़ा हो सकता है कि यहाँ पर कितना रश है। तो आप हमारे साथ रहें, तो इंशाल्लाह फिर देखते हैं कि हम क्या खाते हैं क्या करते हैं। तो गाइस हमने यहाँ पर सुना है कि नली बिरयानी वाला होता है कोई, भाई से पता करो, पूछो भाई से, भाई से पूछो ना भाई, ये नली बिरयानी वाला किधर? आगे आगे, वैसे ये क्या है, क्या बना रहे हैं ये पूछो। अच्छा ये आप क्या बना रहे हैं? अच्छा लाइव आइसक्रीम है ये है गाइस, लाइव आइसक्रीम ये है। ये क्या है, फिश है क्या है? दिल पसंद पिशावरी चपली कबाब। तो अभी हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, अंदर कर लो। यहाँ पे खाने पीने की पूरी फूड स्ट्रीट है, ये हुसैनाबाद फूड स्ट्रीट। क्या हो गया भाई, क्या हो गया, फड्डा हो गया क्या? यहाँ पे फड्डे भी होते रहते हैं, अभी ये पता नहीं क्या रश लगा पड़ा है यहाँ पर। दिल्ली स्टेशन का मसला है ना, तो हो जाता आगे पीछे। अभी हमने गाड़ी बाइक वाले को मार दिया गलती से, हम तो उसके ऊपर ही चढ़ा दी थी बाइक हमने, वो गाड़ी क्या करें क्या करें। ये अल्पाइन गलेटो भी है यहाँ पर, दिन में आपको यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा, दिन में आपको यहाँ पे प्रॉपर सरनाटा मिलेगा। दिन में आप बेशक आए, केक शेक डेजर्ट्स। ये क्या है, ये पता नहीं क्या है ये। ये मामू है, मामू पे क्या मिलेगा भाई, मामू पे बिरयानी मिलेगी? नली बिरयानी खानी है यार। मामू 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 क्वालिटी फूड सर्विस यहाँ पे शायद है, पूछो इससे, पूछो बिरयानी का। हाँ तो चिकन रोल यहाँ पे 320 से लेके 250 का हो गया भाई, डिस्काउंट एक्स्ट्रा डिस्काउंट चल रहा है, आप आए एक्स्ट्रा डिस्काउंट खाएं यहाँ पर। सनोबर आइसक्रीम भी है भाई, मेमन मेडिकल कॉम्प्लेक्स भी यहाँ पर है, आपको हॉस्पिटल भी यहाँ मुयस्सर है। अगर आप खाते हुए बीमार भी हो जाते हैं, आपके पेट में वट पहने शुरू हो जाते हैं ना, जब जब आपके पेट में वट पड़ेंगे गुड़ गुड़ हो, तो आप डायरेक्ट हॉस्पिटल भागे यहाँ से। हुसैनाबाद की आप कोई भी चीज़ अगर आपको वो कर देती है, मतलब के नुकसानदेह होती है आपके लिए, तो आप डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पर आएँ, या आपको डायरेक्ट उसी टाइम राइसिक देंगे, राइसिक टैबलेट देंगे। यार आगे तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा। हाँ भाई आगे की तरफ बढ़ते हैं, गोसिया नली बिरयानी हमें कहाँ मिलती है। तो अब हम जा रहे हैं आगे की तरफ, बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पे आपने बड़ी एहतियात से गाड़ी भी चलानी है, रोड भी देखना है, रेस्टोरेंट्स वगैरह सब देखने हैं। आपके पीछे लाइन लग जाती है और लोग हॉर्न पे हॉर्न दबाते हैं फुल टाइम, पी पा पा पू पी सब चलता है यहाँ पर। Yeah.
देख रहे हैं जैसा कि अभी मैं हॉर्न दे रहा हूँ, इस तरह लोग भी हॉर्न देते हैं। उन्होंने मुझे हैजर्ड्स दे के बोला है कि आप रुक जाएं थोड़ा सा, मैं अभी थोड़ा इमरजेंसी में नहीं हूँ, बट हम इमरजेंसी में हैं। यहाँ पे जहाँ दिल जिसका दिल करता है वहाँ गाड़ी खड़ी कर देते हैं लोग, मसला नहीं है। अच्छा तो इन्होंने डॉक्टर के पास जाना है, इनका पेट खराब हो चुका है। स्नोबर आइसक्रीम, स्नोबर आइसक्रीम खानी है? हाँ ये आ गई है स्नोबर आइसक्रीम, हमें नहीं पता कैसी है, खाई नहीं है कभी यहाँ पर क्योंकि फर्स्ट टाइम आया है। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी वीडियो के अंदर के हम आपको प्रॉपर रिव्यू दे रहे हैं कि यहाँ पे आपको हुसैनाबाद पे क्या क्या मिल सकता है। अलजद्दा फूड्स, ये सोदिया से ट्रांसफ़र हुए थे, वही हैं जिंगर वाले जो डिस्काउंट पे दे रहे हैं, 250 रुपये में बर्गर दे रहे हैं भाई। अब पता नहीं जिंगर बर्गर है कौन सा बर्गर है यार। ओसिया नली बिरयानी, शेक्स, जमजम फूड्स आ गया भाई। अभी मुझे पूछना पड़ेगा किसी से यार, गाइस बड़ी मुश्किल से हमें यहाँ पे पार्किंग मिल गई है, तो अभी हम यहाँ गाड़ी पार्क करेंगे अपनी। ये पीछे मांगने वालों ने डेरा लगा लिया है, देख सकते हैं आप। अम्मा माफ करें, मांगने वाले आ गए हमारे पास। यहाँ पे यही हाल होता है, मांगने वालों की लाइन लग जाती है। तो अभी हम उतरेंगे यहाँ से, देखते हैं अभी हमने क्या करना है, क्या खाना है, क्या पीना है। तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह, आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके हाँ, तो गाइस आज हम आए मलिक, दिल्ली मलिक पे। तो भाईजान यहाँ पे क्या चीज मशहूर है, फेमस क्या चीज है यहाँ पे? सर इधर का तवा चिकन स्पेशल है। तवा चिकन स्पेशल है यहाँ पे जी, और क्या है? कोयला कढ़ाई है, कोयला कढ़ाई है, अच्छा बारबेक्यू में सिस्टम। तो गाइस अभी हम बैठते हैं, देखते हैं हम क्या मंगाते हैं, ठीक है? तो मिलते हैं आगे पे। सो गाइस मैं अब आपको रिव्यू करवाता हुआ चलूँ। ये है दिल्ली मलिक और ये है तवा चिकन। हाँ नेट पर चढ़ेगा भाई। हाँ फिर मैंने सोचा कि मैं कोयलों का भी थोड़ा सा कवर कर लूँ। तो कोयले आप देख सकते हैं कैसे जल रहे हैं यहाँ पर। अब मैं बढ़ता हूँ अंदर की तरफ। ये मलाई टिक्का, ये मलाई बोटी, ये मलाई टिक्का है, ये मलाई बोटी है, ये चिकन बिरयानी है, ये लबनानी बोटी है, अफगानी की तरह लबनानी बोटी भी है, नॉर्मल स्पाइसी होती है, जिस तरह अफगानी बोटी होता है। ये बीफ बिरयानी है, ये चिकन टिक्का चेस्ट और लेग दोनों में। ये माल जो है ये चरगा नहीं, ये तवा चिकन का माल है। ये पहले बारबेक्यू पे सिकाई होता है कोयले पे, अच्छा, और उसके बाद उधर वो चटनी में तड़का होता है, इसका तड़का सही। तो ये क्या भाईजान, ये क्या है? ये न्यारी है, ये न्यारी है, दिल्ली मलिक की मशहूर न्यारी है। इसमें आपको नली न्यारी भी मिल जाएगी, दिल्ली मलिक की मशहूर न्यारी है भाई। ये हमारा कढ़ाई का उस्ताद है। अच्छा ये कढ़ाई के उस्ताद हैं आपके? पकड़ो कढ़ाई को, भाईजान कढ़ाई, कढ़ाई कौन कौन सी बनाते हैं सर? कढ़ाई चिकन में भी है, मटन में भी है, अच्छा, मारी है, शाही है, ब्लैक पेपर है, मिल्की अच्छा। वाइट है, चीजी है, मखनी है, ये कढ़ाई लगी हुई है। हाँ सर ये कढ़ाई मटन कढ़ाई लगी करवाएं। ये देख सकते हैं गाइस, ये मटन कढ़ाई लगी हुई है बॉयल पे, ये बॉयल हो रहा है। मतलब कि आप कोयले पे बनाते हैं? जी हाँ कोयले पे बनाते हैं, प्रॉपर कोयले पे बनता है आपका कढ़ाई वगैरह सब? जी बिल्कुल, ठीक है भाई, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू सर, शुक्रिया। ओके तो गाइस अभी हम यहाँ पर आए हैं, यहाँ का रिव्यू आप चेक कर सकते हैं, मतलब की लोकेशन वगैरह आप देख सकते हैं। अभी हम यहाँ के मैनेजर वगैरह जो भी हैं उनसे आपका रिव्यू करवाते हैं, उनसे बात करवाते हैं आपकी। तो भाई हम यहाँ के वर्कर से बात करते हैं। भाई जान ये यहाँ पे जो है ये सेटअप वगैरह जो बना हुआ है यहाँ पे, अगर सीमेंट वगैरह लोगों ने करना हो तो वो कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा तो डिस्काउंट वगैरह खाने वगैरह कैसे हैं इनके ये बताएं? खाना माशाल्लाह से इनका बेस्ट है और रेट भी माशाल्लाह से बाकी जो रेस्टोरेंट वगैरह के हिसाब से अच्छा है इनका। अच्छा
मतलब केबल्स वगैरह होते हैं यहाँ पर? जी बिल्कुल होते हैं, पार्टीज वगैरह आती है, बुकिंग होती है यहाँ पर, बर्थडे के लिए अभी आते हैं, और क्या नाम है, शादी के इवेंट्स वगैरह भी होते हैं इधर। दो हॉल है इनके साथ, एक ये है और एक इसके ऊपर है सेकंड हॉल। भाई चले ठीक है भाई, बड़े थैंक यू, आपने अपने तारुफ करवाया, अपने बारे में बताया, रेस्टोरेंट के बारे में, तो इंशाल्लाह हम अभी बैठते हैं, हम ऑर्डर देते हैं, तो करते हैं फिर। ओके गाइस, हाँ तो फिर गाइस हमने मंगवाया तवा चिकन, तवा चिकन हम ट्राई करते हैं यहाँ करके, तवा चिकन कैसा है भाई जान, एक तवा चिकन कर दें, वो उसके साथ क्या देंगे? नान, चपाती, पराठा, रोहिणी नान भी होता है, प्लेन नान भी होता है, रोहिणी नान भी होता है, गार्लिक नान है, और चपाती है। अच्छा लगेगा उसके साथ? उसके साथ ज़्यादातर चपाती या पूरी पराठा चलता है, क्योंकि एक तो मतलब पूरी पराठा, पूरी पराठा ज़्यादातर इसके साथ चलता है। सही है, और पूरी और चपाती चलता है, दो पूरी पराठे, दो पूरी पराठे के लिए टॉप पीस। उसमें फिर हमारे पास तवा बोनलेस भी है, अभी आप बोनलेस होता है, ये बेस्ट, सारे हमारे बेस्ट आइटम है। इसमें तवा, तवा पीस है, तवा मखनी होता है, तवा चीजी होता है, लेग या चेस्ट का कोई टिक्का होता है, मखनी के ऊपर मक्खन का पीस रखते हैं, चीजी के ऊपर चीज का स्लाइस रखते हैं। फिर मखनी हमारे पास, चीजी मंगाया था भाई, मखनी मंगा लो भाई, एक मखनी तवा पीस, मखनी कर दो, मखनी तवा पीस कर दे, पराठे आप जो बता रहे हैं, दो पराठे कर दो, दो पूरी पराठे, चपाती खाएगा, एक पराठा कर दे, एक पराठा कर दे, दो चपाती कर दे, और तवा पीस लेग में या चेस्ट में? चेस्ट में करवा दी, दो बंदे खा लेते हैं, वन पर्सन, वन पीस में वन पर्सन, वन पर्सन है, होती है। और कुछ भी देख लो, और क्या है? और बारबेक्यू है इसमें, अच्छा चीज और क्या है? तवा बोलने से हमारे पास तवा कढ़ाई भी है, तवा लेग और चेस्ट आपको मिक्स मिलेगा, ये कढ़ाई होगी, कढ़ाइयों के पीस बनाए होते हैं, बाकी कढ़ाइयों की तरह इसमें ग्रेवी नहीं होती, वही मसाला होता है, उसी मसाले की ग्रेवी होती है। अच्छा तो हसन भाई, तवा कढ़ाई मंगा लें या तवा मखनी मंगाएं? हाँ यार, एक तवा मखनी मंगा लो। हाँ वो कढ़ाई मंगा, एक तवा मखनी कर दें, और हाँ ये तवा कढ़ाई कर दें, हाफ तवा कढ़ाई, हाफ तवा कढ़ाई, सही ठीक है। हाँ तो गाइस हमने ऑर्डर दे दिया है तवा कढ़ाई का और तवा मखनी का, तो इंशाल्लाह अभी ऑर्डर आता है तो देखते हैं फिर, ठीक है भाई, थैंक यू। हाँ तो गाइस हमारा ऑर्डर आ चुका है, दिखने में तो बहुत स्पाइसी लग रहा है, रायता भी मंगवाया हमने और सलाद भी साथ में मंगवाया, बाकी अब हम इसको खाते हैं तो फिर आपको बताते हैं कि कैसा है। हम लोगों ने खाना खा लिया है प्रॉपर तरीके से, खाना बहुत अच्छा था यहाँ का, बाकी तो हमने कढ़ाई वगैरह पार्सल करवा ली क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया था, और अभी ये हमारे एक भाई की बर्थडे थी तो हमें केक देकर के भाई की तरफ रिव्यू करें, ये भाई हैं, इनकी बर्थडे थी भाई आज, भाई जान हैप्पी बर्थडे, इन भाई की बर्थडे थी तो इन्होंने हमें केक दिया, इन्होंने कहा केक खाएँ, तो अभी हम केक खाने लगे, केक इन्जॉय करते हैं, तो फिर इंशाल्लाह इसी के साथ हम अपने ब्लॉग का एंड करेंगे, तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में।